सबसे पहले जय प्रकाश, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी और आपकी टीम ने आज ये अपनी अकीयत बहादुरों और उनके रहनुमाओं को यहां बुलाया और हम थोड़ी खामोशी बैठ से आगे आके यहां बैठ जाएं क्योंकि वो पीछे नहीं लोग देख सकते। आ जाए यहां, इधर इधर बैठा जाए। नहीं नहीं पीछे पीछे बस यहां बैठ जाए जी, बस बैठ जाए बैठ जाए ना, वो कैमरे लगे हुए हैं, बैठ जाए बैठ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, दरवाजा पीछे हो जाओ। आराम से बस। अब जरा आपने खामोशी से मेरी 10 मिनट बात सुनी और अगर आप ज्यादा खामोश हुए तो शायद 15 मिनट पे पहुंच जाऊं मैं। देखिए खामोशी, अभी नारे कोई नहीं, प्लीज कोई नारे नहीं। सबसे पहली चीज कि मेरा जो अल्लाह है वो रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है। ये आपने सबने समझना है कि मुसलमानों का जो रब है वो सारे इंसानों के लिए है। और दूसरी चीज उससे भी ज्यादा जरूरी आपको समझना है कि हमारे जो अल्लाह के पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल आलमीन है, वो सारे इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। ये जरूरी आपको समझना है क्योंकि कोई भी हमारा दीन समझ ही नहीं सकता अगर उसको इस चीज की समझ ना हो कि हमारा रब सब इंसानों के लिए है और जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारे इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इधर से शुरू करते हैं हम, क्योंकि ये बड़ी मैंने सारी दुनिया देखी है और मैंने ये मुझे बड़े अफसोस से ये देखना है कि हर जगह कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन इंसानों के खिलाफ सिर्फ इसलिए नफरत कि या उनका रंग फर्क है और या उनका दीन फर्क है, इसकी वजह से नफरत इंसानों के सारी दुनिया में है, कहीं ज्यादा कहीं कम, और कई दौर में ज्यादा और किसी दौरों के अंदर कम, लेकिन है सारी दुनिया में। अभी अमेरिका के अंदर मैं पढ़ रहा था, न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों को मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे, उनको कत्ल कर दिया, इस्लामोफोबिया जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी दुनिया का मसला है, लेकिन जब एक मुसलमान मुल्क अपने दीन के ऊपर चलता है और जब वो ये समझ आता है कि उसका खुदा सब इंसानों का खुदा है और जब उसका जो पैगंबर आखिरी अल्लाह के पैगंबर वो सारे इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, इधर से शुरू करता है हमारा दीन। दूसरी चीज, हमारे दीन के अंदर इंसान बराबर है और जो
मदीना की रियासत उसके ऊपर हम क्यों देखते हैं? क्योंकि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की पहले रियासत बनाई थी। अब आप सब के लिए कि उस रियासत में क्या हुआ, हमारे नबी ने एक चार्टर साइन किया। यहूदी भी थे, मसीह भी थे, जितने भी इंसान थे उनके साथ उन्होंने चार्टर ऑफ मदीना साइन किया, जिसको कहते हैं मिसाके मदीना, और उसमें सबको बराबरी बराबर के शरीक बनाया। फिर एक चीज और जो मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि हमारा दीन शुरू किधर से हुआ था। चार खलीफा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए, उनमें से दो खलीफा वक्त अदालत में पेश हुए, जो हमारी मुसलमान जो एक बहुत बड़ी हस्ती मुसलमानों की हजरत अली रजी अल्लाह ताला, वो अदालत में जाते हैं और उनका केस होता है एक अकलियत से, यहूदी से। और वो आप ये समझें कि खलीफा वक्त हेड ऑफ स्टेट एक अकलियत के साथ अदालत में जाते हैं। पहले तो ये सोचें कि कितनी आज दुनिया में मुल्क हैं जिधर हेड ऑफ स्टेट एक आम अकलियत के साथ अदालत में प्रेजेंट होगा। कितने दुनिया में मुल्क हैं, बड़े बड़े मुल्क हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, आप कभी तसव्वुर कर सकते हैं कि एक अकलियत के साथ वो अदालत में प्रेजेंट हो? और लेकिन उससे भी आगे बात कि वो जो केस है, वो काजी वो फैसला खलीफा वक्त के खिलाफ दे देता है, और वो ये कहता है कि मैं आपकी बेटी की, क्योंकि आपके बेटा गवाह है, उसकी उनकी मैं गवाही कबूल नहीं करता। सो कितनी दुनिया के अंदर ये होगा आजकल, कि मैं आज बात कर रहा हूं 21वीं सदी में, कि आप कितने मुल्कों में ये हो सकता है कि हेड ऑफ स्टेट एक माइनॉरिटी से अदालत उसके खिलाफ फैसला कर दे। तो ये इधर से हम शुरू हुए थे, हमारे इंसाफ का निजाम इधर था, और अकलियत इंसान बराबर थे मुसलमान माशरों में। और हम अब और हम एक और चीज पे आते हैं। अभी राय प्रकाश ने बात की कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन है, कि जबरदस्ती लोगों को सिंध में खास तौर पे कि लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान कर लेते हैं। देखिए, कुरान की वाज़ह आयत है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, ये अल्लाह का फरमान है। जब भी कोई मुसलमान ये करता है वो अपने दीन के खिलाफ जाता है, वो अल्लाह के फरमान के खिलाफ जाता है कि जबरदस्ती किसी को दीन की तरफ ले आए। जो ईमान है, ये सारे समझे कि अल्लाह कुरान के अंदर अपने हबीब को, जो इंसान जिसे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि ऐ नबी, तुम्हारा काम है सिर्फ पैगाम देना। ये सुन ले जरा, मैं अपने मुसलमानों को भी ये बताना चाहता हूं, अल्लाह अपने हबीब को कहता है कि तुम्हारा काम है सिर्फ पैगाम देना। अगर वो दीन की तरफ आते या नहीं आते, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये अल्लाह के ऊपर है कि वो किसी को हदायत देता या नहीं देता। सो ये आप सब समझ जाए कि ये जो जबरदस्ती किसी का ख्याल है कि मुसलमान किसी को करना, ये तो अल्लाह का तोहफा है कि अगर वो किसी को ईमान देना चाहता या नहीं। तो ये बिल्कुल, मैं पूरी तरह हम अपने दीन के ऊपर चलते हुए इसकी मुखालफत करेंगे जो जबरदस्ती लड़कियों को मुसलमान किया जाता है। बस 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 बस। अच्छा, अब आ गया एक और इशू, और वो सिर्फ हमारी अकलियतों के लिए नहीं है, वो हर पाकिस्तान के कमजोर तबके के लिए है। देखिए, इंसाफ होता क्या, इंसाफ का मतलब होता है कि कमजोर और ताकतवर
कानून के सामने एक बराबर। यह सबसे बड़ी चीज होती है कि एक माशरे का जब ऊपर उठता है माशरा, तो माशरा ऊपर नहीं उठ सकता जब उस माशरे में इंसाफ ना हो। जो भी दुनिया की तारीख में मुल्क ऊपर गए हैं उनका इंसाफ का निज़ाम बेहतर हुआ है। बल्कि हमारे एक बहुत बड़ा मुसलमानों का आलिम इब्ने खालदून, वो कहता है कि मेरा सारा जो तज्जिया है कुरान का, उसके बाद मैं एक नतीजे पे आया हूँ कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा ही एक वजह से है, इंसाफ कायम करने के लिए। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता, वह माइट इज राइट है, जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, जो कमजोर है उसको कोई पूछता नहीं है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। इंसानी माशरा होता ही तब है जब उसमें इंसानियत हो और उनसे उसमें इंसाफ हो। मैंने जब आज से 26 साल पहले अपनी पार्टी शुरू की थी तो उसका नाम रखा था इंसाफ की तहरीक। मैं ये समझता हूं कि इस जद्दोजहद में हम सबको शामिल होना चाहिए। मैं अपनी सारी कौम को शामिल इसलिए कर रहा हूं कि ये हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यह इंसाफ ना हो। इंसाफ का मतलब होता है राइट्स, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट क्या होता है कि हर इंसान के हकूक होते हैं, चाहे वो कमजोर है, चाहे ताकतवर, चाहे अमीर या गरीब। जब तक माशरे में इंसाफ की वजह से लोगों को राइट्स नहीं मिलते, एक माशरे का जो पोटेंशियल होता है, माशरे की परवाज ऊपर नहीं जा सकती। मदीना की रियासत में मैं मिसाल इसलिए देता हूं कि वहां ऐसा जबरदस्त इंसाफ का निजाम था कि वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उन्होंने चंद सालों के अंदर दुनिया की दो सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा जबरदस्त इंसाफ का निजाम बनाया था कि जो मुसलमान भी नहीं थे वो उस रियासत का हिस्सा बनना चाहते थे, क्योंकि उनको उनकी रियासत का इंसाफ का निजाम तहफ्फुज देता था। और जब आपको इंसाफ मिलता है और आपके हकूक की हिफाजत करता है एक निजाम, तो वो माशरा ऊपर चला जाता है। तो हमारी जो जंग है आज वो है इंसाफ लेने के लिए, और जो हमारे मुल्क में जद्दोजहद है वो एक छोटे से टोले की है के खिलाफ है, जिसको हम कहते हैं एलीट कैप्चर। एक छोटा सा टोला जो मुल्क के ऊपर हावी हुआ हुआ है, वो चोरी करता है तो वो कहता है कि मैं कानून के नीचे, मुझे एनआरओ दो। मिलके वो सारे अपनी चोरी, अरबों रुपए की चोरी माफ करवा लेते हैं, जबकि गरीब आदमी छोटी सी हजारों की चोरी में जेलों में फंसता है और जेलों के अंदर कोई पूछता नहीं है उसको। ताकतवर चोरी करता है कानून से ऊपर, उसको हाथ नहीं लगता। कमजोर जब बेचारा, उसको कोई हिफाजत नहीं करता कानून। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। और ये जो राइट्स की मूवमेंट है, इंसाफ का मतलब राइट्स की मूवमेंट, ये चल रही है और यही है हकीकी आजादी की तहरीक। हकीकी आजादी, हकीकी आजादी, बस बस, हकीकी आजादी तब मिलती है जब एक मुल्क का इंसाफ का निजाम लोगों को आजाद कर देता है। अभी हाल ही में देखें, एक उसको ARY का न्यूज एडिटर, सोचे न्यूज एडिटर के घर में, अमाद यूसुफ के घर में सुबह के 2 बजे पुलिस घुस जाती है। अब बस बस सुनो जरा, रात के 2 बजे एक न्यूज एडिटर के घर पे पुलिस घुस जाती है और उसको उठा के ले जाती है, और उसकी बेटी, वो कहते हैं बेटी शॉक में थी, को कौन किस घर के अंदर इस तरह का कोई आके किसी को उठा के ले जाए। किसी मुहज्जब माशरे में नहीं ऐसे होता। अभी वो शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी को उठा लिया, उसकी छोटी सी बेटी, कोई फिक्र नहीं की कि वो बेचारी उसके ऊपर क्या गुजरेगी। एक मिनट सुने, बात यह है कि जब एक मुल्क के अंदर
इंसाफ का निजाम नहीं चल रहा होता, वो लोगों की हिफाजत नहीं करता, ताकतवर जो मर्जी कर लेता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल का कानून। ये है हम सब की स्ट्रगल। मैं इंशाल्लाह परसों 13 तारीख को लाहौर के अंदर हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का हम जलसा भी करेंगे, जश्न भी बनाएंगे और अपनी कौम को बताएंगे कि हकीकी आज़ादी लेते कैसे, हकीकी आज़ादी होती क्या। कायदे आज़म आप सबको पता है या पता है या पता नहीं कि कायदे आज़म ने जब अपनी सियासत शुरू की थी तो इनको हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर समझा जाता था, यूनिटी एम्बेसडर, को वो हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करेंगे। ये याद रखें कि कायदे आज़म की जो शुरू की सियासत थी उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम मिलके अंग्रेजों से आज़ादी लें, अंग्रेजों से आज़ाद हों। और फिर क्या हुआ, उनको आहिस्ता आहिस्ता ये खौफ आना शुरू हो गया कि वहां ऐसे लोग थे, वो जो कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग थे जो कि सिर्फ ये देख रहे थे कि वो सबके लिए, अकलियतों के लिए आज़ादी नहीं चाह रहे थे, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए आज़ादी चाह रहे थे। इधर इख्तलाफ हुआ उनका, वो चाहते थे कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को आज़ाद हो। तो उनको खौफ आना शुरू हो गया कि अंग्रेज की आज़ाद गुलामी के बाद हम हिंदू की गुलामी में चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने आज़ादी की स्ट्रगल की थी और पाकिस्तान बनाना है, इसलिए पाकिस्तान मूवमेंट में शिरकत किए थे। हम भी अपने मुल्क के अंदर, ये हमारा जो मुल्क बना है, हम ये सब के लिए है, इसमें हम सारी अकीयतों को बराबर के शहरी समझते हैं और इसलिए पाकिस्तान बना था। अगर हिंदुस्तान में कायदे आजम को ये हो जाता कि हम बराबर के शहरी रहेंगे तो वो तो शुरू में कांग्रेस का हिस्सा थे। इसलिए आज पाकिस्तान में जब इंशाल्लाह जब हम परसों अपनी हकीकी आज़ादी का जश्न बनाएंगे तो हम अपनी सारी अकलियतों को भी पैगाम देंगे कि आप पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं, आपके हकूक हम हिफाजत करेंगे, हम उनको तहफ़ देंगे। मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ 11 अगस्त में आने का। पाकिस्तान जिंदाबाद।